रुक करते हैं प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में पहली बार बिलासपुर में एनसीसी की तर्ज पर पुलिस विभाग ने पुलिस कैडेट एक दिवसीय शिविर का आयोजन बिलासपुर पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया। इस शिविर में 5 स्कूलों के 150 पुलिस कैडेटों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार बिलासपुर में एनसीसी की तर्ज पर पुलिस विभाग ने पुलिस कैडेट एक दिवसीय शिविर का आयोजन बिलासपुर पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया। इस शिविर में 5 स्कूलों के 150 पुलिस कैडेटों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में पुलिस ने कैडेटों को आधुनिक हथियारों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था। बिलासपुर की पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि पुलिस कैडेट योजना प्रति बिलासपुर जिला के 5 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। इस शिविर में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा बच्चों को पुलिस स्टूडेंट कैंडिडेट योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टूडेंट कैंडिडेट योजना के तहत बिलासपुर के 5 स्कूल चयनित किए गए हैं, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों ने पुलिस कैंडिडेट के रूप में इस मीट में हिस्सा लिया। इन स्कूलों के 8वीं कक्षा के बच्चे विभिन्न खेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बिलासपुर में आयोजित किए गए एक दिवसीय पुलिस कैडेट शिविर में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें पुलिस कैडेट को उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई। पुलिस स्टूडेंट योजना की बात की जाए तो ये योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें पूरे देश में पुलिस स्टूडेंट कैंडिडेट का गठन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस इंडोर व आउटडोर प्रतियोगिताएं स्कूली बच्चों को करवाई जा रही हैं। वहीं खास बात यह है कि इसमें बच्चों को नशे, ट्रैफिक व अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। स्कीम जो है स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम चलाई गई है हिमाचल पुलिस द्वारा, जिसके तहत हमने आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया था। आइडिया ये था कि एक तो स्कीम के बारे में हम लोग सबको बताना चाहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये स्कीम चलाई गई है, कैसे ये बाकी कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम से अलग है। इसलिए ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि हम लोगों ने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आज पुलिस लाइन्स में ऑर्गेनाइज कराया, जिसके थ्रू भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, और कैसे ये चीजें अगर हम यूज करें तो जो अलग अलग चैलेंजेस हम आज के डेट में फेस कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, उसके अगेंस्ट कैसे हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो ये आइडिया था कि हम लोग आज पुलिस लाइन्स में एक इस तरह का कॉम्पिटिशन कराएं, जिसको मैक्सिमम हम लोग कवरेज है, ताकि लोगों को भी स्कीम के बारे में पता लगे।